हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे यूनिट 3 BFM का लास्ट पोर्शन जो कि है फैसिलिटीज टू NRI। फ्रेंड्स, NRI को क्या क्या फैसिलिटीज दिए जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो जो भी NRI है वो दो सेगमेंट में कैटेगराइज्ड हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर एंड सिक्योरिटीज में। पहला है रिपेट्रिएशन बेसिस पे और दूसरा है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे। तो ये जो भी फंड जो वो इन्वेस्ट करेंगे NRE FCNR अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर को डेबिट करके वो कर सकते हैं, या फिर जो फंड है जो कि अब्रॉड से वो किसी भी कन्वर्टिबल करेंसी में वो ट्रांसफर करके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दे रहा है कि ये फर्दर क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज के अंदर जिसमें कि NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में कर सकते हैं, किसी भी परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे वो कर सकते हैं, या फिर किसी भी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो ये चार तरीके से वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी NRI जो है वो कोई भी शेयर या डिबेंचर जो है उसको परचेज कर सकते हैं किसी भी इंडियन कंपनी के, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? थ्रू अ डेजिग्नेटेड AD ब्रांचेस। NRI जो है वो इस तरीके के जो उनकी सिक्योरिटीज हैं उसको वो अनदर NRI को ट्रांसफर कर सकते हैं बाई वे ऑफ गिफ्ट। RBI जो है उसने जनरल परमिशन दे रखा है, किस लिए? रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। अगर जो सेल प्रोसीड्स जो सिक्योरिटी और शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर सके रखे हैं उसके सेल प्रोसीड्स को वो रेमिट कर सकते हैं, या फिर ये उनके NRO अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल होगा। NRI को ये भी परमिशन दिया गया है कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये RBI के थ्रू अप्रूव्ड है और ये जो उनका आउट ऑफ रूपी रिसोर्स हेल्ड इन इंडिया है उसको वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में, और ये रिपैट्रिएशन बेसिस पे होता है और इसके जो लिमिट है वो SEBI के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं। दूसरा जो है वो है अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में क्या क्या है। पहला है यूनिट ऑफ UTI एंड म्यूचुअल फंड्स। UTI और अदर म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिपेट्रिएबल बेसिस पे भी है और नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पे भी है। दूसरा है कंपनी डिपॉजिट। किसी भी कंपनी में के डिपॉजिट में NRI जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ये रिपेट्रिएबल बेसिस पे होगा और जो भी डिपॉजिट वो करेंगे वो मिनिमम 3 ईयर्स के लिए उनको करना होगा, और ये भी जो है वो डिपॉजिट जो है वो कहाँ से होगा? मेड आउट ऑफ फ्रेश रेमिटेंस और बैलेंस हेल्ड इन NRI एंड FCNRB डिपॉजिट अकाउंट्स। उनके जो NRE और FCNRB डिपॉजिट अकाउंट में जो बैलेंस है उसको वो कंपनी डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रेश रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया जो है उसके थ्रू भी वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म में भी और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में भी, बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, द कंसर्न इज नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी और रियल इस्टेट बिजनेस और डीलिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये चीज़ें एग्जिबिटे हैं जिसमें कि वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई अगर एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी अगर कोई कंपनी कर रही है या रियल इस्टेट बिजनेस कर रही है या डीलिंग इन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इस तरीके के कंपनी या फर्म में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन शुड बी बाई वे ऑफ, ये भी आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? बाई वे ऑफ फ्रेश इनवर्ड रेमिटेंस इन टू इंडिया और आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन NRE और FCNRB डिपॉजिट अकाउंट। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड शैल बी परमिटेड टू बी रिपेट्रिएबल आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू टैक्सेस। ये रिपेट्रिएबल है आउटसाइड इंडिया और इस पे टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक जो NRI है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए किस तरीके के प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट कर सकता है? परमिटेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर प्लांटेशन फार्म हाउस,
किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में या प्लांटेशन या फार्म हाउस में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एनआरआई कैन एक्वायर सच ए प्रॉपर्टी आउट ऑफ फंड्स रिसीव्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम बैलेंस हेल्ड इन एनी एनआरई और एफसीएनआरबी मेंटेन्ड इन इंडिया। वो आउटसाइड इंडिया जो फंड रेमिटेंस होगा उसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है या फिर उसके एनआरई या एफसीएनआरबी अकाउंट में जो बैलेंस है उसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई ऐसे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है जो कि किसी रेजिडेंट इन इंडिया पर्सन ने उसको बाय वे ऑफ गिफ्ट दिया हो या कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जिससे उसको गिफ्ट के रूप में मिला हो तो इस तरीके के प्रॉपर्टी में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। एनआरआई कैन ऑल्सो एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया रेजिडेंट है और वो उसका इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है तो उसको भी वो एक्वायर कर सकता है। अभी इसमें दे रहा है कि रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कैसे कैसे कर सकता है। जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर किया है वो फॉरेन एक्सचेंज लॉ के अकॉर्डेंस होना चाहिए। सेल प्रोसीड्स जो है वो रिक्वायर्ड टू बी रिपेट्रिएटेड डज नॉट एक्सीड द फॉरेन एक्सचेंज बॉट इनटू एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में जो फॉरेन एक्सचेंज अगर कुछ लगाया गया है तो उससे ज़्यादा का सेल प्रोसीड्स जो है वो रिपेट्रिएट नहीं कर सकता है। अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो सेल प्रोसीड जो है रिपेट्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये मोर देन टू प्रॉपर्टीज वो रिपेट्रिएट नहीं कर सकता है। बैंक आर नाउ परमिटेड टू अलाउ रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड बाय एनआरआईज इन देयर नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स अप टू 10 लाख पर ईयर, USD 10 लाख पर ईयर जो है वो रिपेट्रिएट कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय देम विद इन एनी लॉक इन पीरियड विदाउट एनी लॉक इन पीरियड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। लेकिन ये जो उसका प्रोसीड है वो सेल प्रोसीड होना चाहिए, और वो क्या चीज़ का सेल प्रोसीड होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए जो कि उसके द्वारा हेल्ड किया गया हो, और इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है लेकिन इस पर टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है उनको कमर्शियल या अदर प्रॉपर्टी में भी एक्वायर करने का परमिशन है। अभी अदर इन्वेस्टमेंट में क्या क्या वो कर सकते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में यहाँ दे रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, मार्केट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको स्मॉल सेविंग स्कीम इंक्लूडिंग PPF, स्मॉल सेविंग स्कीम्स होता है फ्रेंड्स जो हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, फिर आपका NSC है, KVP है, सुकन्या समृद्धि है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहते हैं, और PPF इंक्लूडिंग PPF, तो इन चीज़ों में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बोल रहा है कि एडवांसेस टू नॉन रेजिडेंट एंड थर्ड पार्टी एडवांसेस अगेंस्ट NRI डिपॉजिट और गारंटी अदर लोन्स। किसी भी नॉन रेजिडेंट को हम लोग जो लोन दे सकते हैं थर्ड पार्टी बेसिस में उनके डिपॉजिट के ऊपर, गारंटी के ऊपर या अदर लोन्स, तो उसमें क्या क्या है। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है रुपी लोन इन इंडिया। तो किसी भी नॉन रेजिडेंट इंडियन को हम लोग रुपी लोन इन इंडिया दे सकते हैं उनके FCNRB डिपॉजिट अकाउंट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है कि इस तरीके के लोन का पर्पस क्या होता है। तो पर्पस है फ्रेंड्स वो कोई भी पर्सनल पर्पस हो सकता है, लेकिन रीलैंडिंग के लिए या फिर किसी भी एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी या किसी भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए उनको लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ इंडियन फर्म्स कंपनीज। अगर वो किसी इंडियन फर्म या कंपनीज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं थ्रू मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, तो उसके लिए भी उनको लोन ग्रांट किया जा सकता है। किसी भी हाउस या फ्लैट जो कि वो खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा इन इंडिया, उसके एक्विजिशन के लिए भी हम लोग उसको लोन ग्रांट कर सकते हैं। अभी क्रेडिट ऑफ लोन अकाउंट हम लोग कैसे करेंगे। इस तरीके के लोन जो कि ग्रांट किए जाते हैं वो कहाँ हम लोग क्रेडिट करेंगे, NRO अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ओनली, एंड डू नॉट NRE FCNRB डिपॉजिट अकाउंट। NRE और या FCNRB डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ लोन जो है दैट कैन बी अलाउड ओनली अप टू 100 लाख इन टर्म्स ऑफ RBI गाइडलाइंस। अप टू 100 लाख जो है लोन अमाउंट उनको हम लोग ग्रांट कर सकते हैं।
मार्जिन बैंक शैल मेंटेन रीजनेबल मार्जिन, जो बैंकों का मार्जिन नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे मार्जिन मेंटेन करना होगा। रिपेमेंट कैसे होगा इस तरीके का लोन का? इस तरीके के लोन का रिपेमेंट रिपेमेंट आइदर इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, या फिर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ डिपॉजिट, या फिर उनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं एनआरओ रुपी अकाउंट के, उसके थ्रू उसको आप रिपे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी लोन इन इंडिया। फॉरेन करेंसी लोन भी हम लोग एनआरआई को ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है थर्ड पार्टी डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम लोग नहीं देंगे। अगर बोरोअर के खुद के नाम में अगर डिपॉजिट है FCNRB डिपॉजिट, तो उसके अगेंस्ट में हम उसको लोन दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो है वो अकाउंट होल्डर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये अलाउ नहीं है। मैच्योरिटी ऑफ लोन शुड नॉट एक्सीड द मैच्योरिटी डेट ऑफ डिपॉजिट। जितना डिपॉजिट का मैच्योरिटी डेट है, लोन का भी मैच्योरिटी डेट उतना ही होगा। लोन जो है सैंक्शन फॉर पर्पस अदर देन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसके लिए अगर आप इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। रिपेमेंट जो है ठीक वैसे ही फ्रेश रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड या फिर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ डिपॉजिट के थ्रू हम लोग इसको रिपे कर सकते हैं। लोन्स टू थर्ड पार्टीज हम लोग दे सकते हैं। बैंक में ग्रांट लोन्स टू थर्ड पार्टीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूटिलाइज फॉर पर्सनल पर्पस होना चाहिए। कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेप्ट रीलेंडिंग, कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज और फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ये एक्सक्लूड है। हम लोग सिर्फ उसको पर्सनल पर्पस के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन दे सकते हैं। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिटर जो है उसको खुद लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल एंड विटनेस एक्सेप्टेबल टू द बैंक। लोन शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे हम लोग लोन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हाउसिंग लोन इन रूपी टू एनआरआई। तो हाउसिंग लोन जो है रूपी टू एनआरआई हम लोग दे सकते हैं। बैंक में ग्रांट हाउसिंग लोन टू एनआरआई फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन इंडिया सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है? क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी और पीरियड ऑफ रिपेमेंट जो है वो जो रेजिडेंट इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है वो भी एनआरआई के लिए एप्लीकेबल होगा। लोन अमाउंट जो है वो कभी भी एनआरई या FCNRB अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। लोन जो है वो फुल्ली सिक्योर्ड होगा बाय वे ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्रपोज टू बी एक्वायर्ड एंड इफ नेसेसरी ऑल्सो बाई लियन ऑन द बोरोअर्स अदर एसेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है रिपेमेंट जो है वो बाई वे ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड या उसके एनआरई FCNRB या एनआरओ अकाउंट को डेबिट करके, या रेंटल इनकम जो कि उस प्रॉपर्टी से डिराइव की जाएगी जिसको कि आप लोन करने वाले हैं जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसकी रेंटल इनकम अगर कुछ है तो उसको भी हम उसके थ्रू भी रिपेमेंट अलाउ कर सकते हैं। आउट द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन। तो उस लोन से जो हमारी प्रॉपर्टी परचेज हो रही है उसको अगर उससे कोई रेंटल इनकम डिराइव हो रही है तो उससे भी हम उसको रिपे कर सकते हैं। अब्रॉड से कोई रेमिटेंस अगर है तो उससे रिपे कर सकते हैं, या फिर उसके NRE, FCNRB या NRO अकाउंट को डेबिट करके भी हम लोग हाउसिंग लोन को रिपे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।